ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਾਂਟੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮੱਚ ਗਈ ਜਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸਫੋਟਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਬ ਸਕੈਡ ਟੀਮ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਬ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ SSP ਨੀਲ ਭਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਫੋਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲਾਂਟੇ ਮਾਲ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਕਰਾਤਾ, ਲਾਂਟੇ ਮਾਲ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ। तो इस कॉल को ट्रेस करने में भी हम लगे हुए हैं और चंडीगढ़ पुलिस की जो बॉम्ब डिस्पोजल टीम है, एंटी सबोटाज चेक टीम है, ऑपरेशन सेल्स की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम तो और लोकल पुलिस सारे मिलके इस टाइम पे एक कोऑर्डिनेटेड सर्च ऑपरेशन यहाँ पे कर रहे हैं। इलांटे मॉल की जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स है वो भी हमें इसमें हेल्प कर रहे हैं। अभी तक किसी भी तरीके का कोई थ्रेट पाया नहीं गया है, परंतु एहतियात के तौर पे और 15 अगस्त जो आ रहा है उसके मद्देनज़र हम इसको जो है वन बाय वन, शॉप बाय शॉप, फ्लोर बाय फ्लोर सब कुछ ठीक से चेक करेंगे और उसके बाद ही जो है क्लियर हो पाएगा कि ये फेक कॉल थी या सही। मैम ये कॉल जो आई है इसके कुछ अभी तक पता चल पाया है किसने कॉल की है, कैसे की? अभी तक ये लगा है कि ये इंटरनेट से VOIP से हुई हुई कॉल है, तो इसको ट्रेस करने में थोड़ा समय लग सकता है। मैम क्योंकि सिचुएशन भी इस टाइम 15 अगस्त या 370 को लेकर काफी सिचुएशन भी सेंसिटिव है, तो किस तरह से देख रहे हैं? मैं बिल्कुल क्लियर बताना चाह रही हूँ पब्लिक को भी, सभी को, कि पैनिक क्रिएट करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। प्रोफेशनल टीम जो है वो जॉब पे है, सर जॉब पे, और जो भी नतीजा होगा आपको बताया जाएगा और किसी को भी इनकन्वीनियंस करने का कोई भी इरादा नहीं है, परंतु अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो उसको थरोली वेरीफाई करने के लिए हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। मैं फिर बोलूँगी कृपया पैनिक ना क्रिएट करें, पैनिक जैसी कोई भी सिचुएशन अभी तक नहीं है। देखो शॉप बाय शॉप 4 फ्लोर्स चेक करने हैं, सिनेमा हॉल्स भी है, आसपास का एरिया भी है, तो 2-3 घंटे लगेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे।